नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आज हम आपसे यह कहें कि एक भारतीय राग गाने से आपके चारों तरफ आग पैदा हो सकती है, तो शायद आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन यह बात सच है कि इस राग को जब प्राचीन काल में गाया जाता था, तो इस राग को गाने और सुनने मात्र से व्यक्ति जलकर राख हो सकता था। संगीत विशेषज्ञ इस राग को दीपक राग कहते हैं। कहा जाता है कि इस राग के गाते ही दीपक स्वयं ही जल उठते थे, इसीलिए इस राग को दीपक राग के नाम से जाना जाता है। आज हम जानते हैं कि क्या है इस अद्भुत राग के पीछे का रहस्य। क्या वास्तव में इस राग के गाने से अग्नि उत्पन्न हो जाती थी, या फिर यह केवल कोरी कल्पना है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि इस दीपक राग को गाने से वातावरण में इतनी गर्मी पैदा हो जाती थी कि इस राग को गाने और सुनने वाले लोग उस आग की तपेश में झुलसने लगते थे। कभी कभी तो दीपक राग गाने से उत्पन्न अग्नि लोगों को जलाकर राख भी कर देती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दीपक राग से जुड़ी एक कहानी बड़ी दिलचस्प और अविश्वसनीय किंतु सत्य है। हम जानेंगे कि किस प्रकार इस राग की आग ने सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक प्रसिद्ध गायक तानसेन को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। यह बात उस समय की है जब तानसेन का अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान था। उनकी सुरीली आवाज से पूरा राजमहल सदा गूंजता था। तथाकथित इतिहासकार बताते हैं कि अकबर महान संगीतकार एवं गायक तानसेन को अपने निकट ही बैठाता था। अकबर के अन्य दरबारी तानसेन से ईर्ष्या करते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी प्रकार अकबर की नजरों में तानसेन को नीचा दिखाया जाए। एक दिन अकबर के एक मुस्लिम दरबारी का संपर्क एक शास्त्रीय गायक से हुआ, जिसके बाद उसको पता चला कि संगीत में एक ऐसा भी राग है जिसको गाने से इंसान जलकर राख हो सकता है। जब यह बात उस दरबारी ने दूसरे दरबारियों को बताई, तो उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार दूसरे दिन कुछ दरबारी सम्राट अकबर के पास पहुंचे और उन्होंने अकबर को बताया कि आपके दरबार की शोभा बढ़ाने वाले तानसेन जी दीपक राग का सुंदर गायन करते हैं, लेकिन इसे अच्छा कहें या बुरा, अब तक महाराज को तानसेन ने दीपक राग नहीं सुनाया है। तानसेन जब दरबार में उपस्थित हुए, तो अकबर ने तानसेन से दीपक राग सुनने की इच्छा जाहिर की। तानसेन तुरंत समझ गए कि यह सब दरबारियों की चाल है, वह मुझसे दीपक राग गवाकर मेरा अहित करना चाहते हैं। गायक तानसेन ने अकबर से दीपक राग गाने से मना कर दिया, लेकिन अकबर तानसेन से दीपक राग सुनने के लिए अड़ गया। दरअसल उस समय मूड अकबर को यह पता नहीं था कि दीपक राग इतना खतरनाक है जिसके गाते ही अग्नि वर्षा होने लगेगी। अगर हम दीपक राग को प्राचीन काल की अग्नि मिसाइल कहें तो गलत न होगा। तानसेन अजीब दुविधा में फंस गए थे कि अगर वो अकबर को मना करते हैं तो संकी अकबर उन्हें मृत्यु दंड दे देगा, और यदि वे दीपक राग गाते हैं तो उसके बाद पैदा होने वाली अग्नि उन्हें जलाकर राख कर सकती है। तानसेन ने बहुत विचार के बाद एक उपाय निकाला ताकि दीपक राग गाने से वातावरण में उत्पन्न होने वाली आग से बचा जा सके। तानसेन ने दीपक राग गाते समय अपनी बेटियों को भी दरबार में बुलाया। उनकी बेटियां अपने पिता तानसेन को किस प्रकार दीपक राग गाने से निकलने वाली आग से बचा सकती थीं, यह बात हम आपको बाद में बताएंगे। दिन और समय निश्चित किया गया। जिस दिन गायक तानसेन को दीपक राग सुनाना था, उस दिन दरबार लोगों से भरा हुआ था। तानसेन की बेटियां भी दरबार में उपस्थित थीं। निश्चित समय पर तानसेन ने दरबार में दीपक राग गाना आरंभ किया। वह जैसे जैसे दीपक राग गाते जा रहे थे, वैसे वैसे दरबार में चारों तरफ गर्मी बढ़ती जा रही थी। शीतकाल में भी ग्रीष्म का आभास हो रहा था। दरबार में सभी लोग पसीने पसीने हो रहे थे। दीपक राग के प्रभाव से वातावरण में ऊष्मा इतनी अधिक थी कि राजमहल के दीपक स्वयं जल उठे। अकबर सहित दरबार के सभी लोग दीपक राग के गायन का चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब दीपक राग के गाने से चारों तरफ उत्पन्न आग की तपेश लोगों के लिए असहनीय हो रही थी। दरबारी दीपक राग से वातावरण में पैदा होने वाली गर्मी से बेचैन हो रहे थे। दीपक राग गाने वाले तानसेन के शरीर के अंदर भी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। वह दीपक राग की आग में झुलसते जा रहे थे। उनका शरीर काला पड़ता जा रहा था कि तभी तानसेन की बेटियों ने राग में एक मल्हार गाना आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि राग में एक मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है। जैसे ही तानसेन की बेटियों ने राग में एक मल्हार गाना शुरू किया, वैसे ही आसमान में बादल उमड़ने घुमड़ने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। मेघ मल्हार गाने से होने वाली वर्षा ने सारे वातावरण को शीतल कर दिया और इस दीपक राग के कारण जलते हुए तानसेन की जान बच गई। दरबार में तानसेन और उनकी बेटियों की वाह वाह होने लगी।
तानसेन से इशारा रखने वाले दरबारियों के मंसूबों पर राग मल्हार ने पानी फेर दिया था। इतिहास साक्षी है कि भारतीय गीत संगीत की उत्पत्ति बहुत जप तप के बाद हुई है, इसीलिए हमें उसका चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। कहा जाता है कि दीपक राग की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई है। वैसे तो संगीत के रचयिता ही भगवान शिव हैं। बताया जाता है कि दीपक राग दीपावली के दिन दोपहर के बाद गाया जाता था, जिससे प्रभाव से राजमहल में सजाए गए दीपक स्वयं जगमगा उठते थे। लेकिन कुछ समय बाद दीपक राग से होने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए उसे गाना बंद कर दिया गया। कहा जाता है तानसेन इस राग को गाने वाले अंतिम व्यक्ति थे। यह भी कहा जाता है दरबार में दीपक राग गाए जाने से तानसेन की भीतरी काया में आग लग चुकी थी, जिससे उनकी सेहत गिरती गई। दीपक राग उनके लिए काल का फांस बन गया। कहा जाता है कि तानसेन की मौत का कारण दीपक राग ही था। सात सुरों से निर्मित यह राग वास्तव में जानलेवा था। ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।